सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केलोंग। यह है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से मनाली 125 किलोमीटर के आसपास है। गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो सो गाइज, ये जो रूम आप लोग देख रहे हैं, ये रूम हमें पड़ा था 1000 रुपये का। और बाकी कल का दिन बहुत खतरनाक गया, बहुत ख़राब गया। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को। बाकी जिन्होंने नहीं देखी है तो देखो यार, मतलब यार फुल एडवेंचर, फुल मतलब मज़ा ही आ जाएगा। बाकी हाँ, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मनाली की तरफ। भाई साहब जी, मनाली के आलू। कल यहाँ पहुँचते पहुँचते तेल ख़त्म हो गया था, जस्ट बहुत ही कम बचा हुआ है। ई में ऐसा चल रहा है सब लोगों का। ई में भी मेरे ख्याल से 45 किलोमीटर के आसपास मैंने चला दिया है, तो जस्ट पंप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो उधर जा रहे हैं। उसके बाद की कहानी, बीच में आज अटल टनल भी बनने वाली है, उससे भी आप लोगों को मिलाते हैं। और बाकी हर व्लॉग में कुछ ना कुछ मेरे एडवेंचर निकल के आ ही जाता है, कुछ अलग ही करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं फिर ब्लॉग। गाइज, होटल हम लोगों ने छोड़ दिया है, ये है अपनी प्यारी धन्नो। तो आज का सफ़र करते हैं शुरू। मेरे कैमरे में मेमोरी कम है, तो अभी मैं थोड़ा कुछ स्टेप शॉर्ट करने वाला हूँ, मनाली से मेमोरी कार्ड ले लूँगा। तो गाइज ये देखो, ई में दिखा रहा है एकदम, जय हो भागेश्वर घूमने भगवती, आज का ट्रिप सही करो। अटल टनल है 30 किलोमीटर और मनाली है 63 किलोमीटर। और ये जो विलेज है NDTNDI, इधर हम लोग पेट्रोल ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी तक तो न्यूट्रल में आ रहे हैं हम जैसे तैसे। ये लोकेशन तो बड़ी अच्छी दिख रही है, मस्त एकदम, ब्रिज, नदी, पहाड़ और हमारी बाइक। सो गाइस, गाड़ी में जाना ही, इस बेचारी को खाना मिल गया, वरना अभी भूख से मरने वाली थी। 500 रुपये का और डाल दे रहा हूँ, तो टोटल 6500 रुपये का तेल लग गया मेरा यहाँ तक का। तो लगी हुई है, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। सो गाइज, इसी टनल के थे चर्चे और हम लोग आ चुके हैं अटल टनल के सामने। 10,075 फीट पे बनी हुई टनल, सबसे लंबी है 10 किलोमीटर के आसपास की। फोटो खींच लो। सो गाइज, वी आर रेडी टू गो अटल टनल। स्पीड यहाँ थैंक्स एंड। अरे भाई, यहाँ बाहर निकलती बारिश, यहाँ तो बारिश हो रही है यार। अरे रेनकोट पहनना पड़ेगा लग रहा है। क्या हुआ गाड़ी को, आवाज नहीं आ रही, रुक गई, पी के चला रहे थे। अरे यार, ये भाई साहब उधर से गाड़ी लाए, इन्होंने पूरी घुपचा दी गाड़ी, ट्रक ही घुपचा दिया। चोट वोट तो नहीं लगी ना? तो गाइस, इधर डर्ट बाइक बहुत सारी है, ATV बाइक। ये तो सेम हमारे पिथौरागढ़ से बहुत की तरह है सेम। तो लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने टूरिज्म को बहुत सपोर्ट किया है यार, इतना टूरिस्ट जा रहा है क्या बताऊँ। और हमारे यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी उत्तराखंड में टूरिज्म की वजह से मार पड़ रही है। सो गाइस, पहुँच गए हैं हम लोग मनाली और हम लोग अभी हैं गोम्पा रोड में। भाई लोग मिल गए, ये हमें छोड़ के आ गए थे, हिना होटल में रुके थे। अभी हम लोग अब घूम रहे हैं कहाँ, माल रोड, मनाली 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 की तो सबसे ज्यादा जरूरत इनको थी। चलो चलते हैं माल रोड। तो इधर ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया नहीं है, तो बना दो, ब्रेकफास्ट करते हैं। ये हमारा है प्याज उत्तपम, इसको खा लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर घूमते हैं थोड़ा लोकल। ये लोग दो, ये दोनों नहीं खा रहे, पराठे खा लिए। वो तो बढ़िया रहा है, जरा एक सुझाव दे रहे हैं, क्या दे रहे थे बताओ, खाने का होटल वाला। अच्छा, खाने का मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं जाते हैं ना, तो होटल उसमें रहते हैं, होटल में रहते हैं, होटल में स्टे होता है हमारा, तो वहाँ खाने के लिए हमें कहीं होटल रेस्टोरेंट में ही देखना चाहिए। देखो जैसे हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट में ना, तो जिधर आप रुके हो उधर मत खाओ, महंगा भी देते हैं और अच्छी बासी भी हो सकता है अगर कस्टमर ना आए तो, क्यों है ना। लोकल सबसे अच्छे ऑप्शन कम मिलते हैं, सबसे बेस्ट मिलता है ठेलों में, सबसे फ्रेश और टेस्टी भी।
सो गाइज दिक्कत ये है कि देखो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, 128 GB का मेमोरी कार्ड जो 1300 का है, 1650, लूट मचाई है लूट। ये सामने बस स्टेशन है हिमाचल रोडवेज का, इधर शूटिंग तो नहीं चल रही मूवी की, देखें जरा भाई साहब। देखो ये टिकटॉक शूट में इतनी सारी भीड़ लगी है, मूवी शूट हो रही है, पता नहीं क्या शूट हो रहा है, मुझे तो टिकटॉक जैसा लग रहा है। ओ माय गॉड, ट्रू लव, हाँ रील्स, इंस्टा रील्स के लिए। चलो चलो, हमारे मतलब का नहीं है। सो गाइज मैं उसी जगह हूँ जहाँ पे कोरोना में आप लोगों ने देखा था ना, पूरा खचाखच भरा था जिस टाइम पे अचानक कोरोना के बाद लॉकडाउन खुला था, सब लोग भाग के इधर आ गए थे। वही ये मॉल रोड है, वो हमारे मनाली, मनाली अभी यहाँ से दिखेगा नहीं, अभी हवा नहीं चल रही है, हाँ बारिश के कारण। ये देखिए हमारे संवाददाता दद्दू भैया। सो गाइज मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ मनाली, क्योंकि हमारे लिए पिथौरागढ़ जैसा ही हो रहा है। मतलब जो दिल्ली विल्ली से आते हैं उनके लिए तो अच्छा है, हम लोग खुद पहाड़ से हैं, भाई जी की दुकान में मोमो खाने के लिए बैठे हैं। क्या वेज मोमो ना, वेज मोमो लगा रहे हैं। क्या रेट है भैया? सूप, सूप इसके साथ फ्री मिलता है अलग से? सूप नॉन वेज के साथ कॉम्प्लीमेंटरी रहता है। अच्छा, वेज वालों के लिए नहीं है सूप? एक्चुअली हम बनाते नहीं है सूप, वेज बनने के बहुत नुकसान है। अभी आपको भाई जब फॉरेन ट्रिप करेगा तब भी ऐसा ही होने वाला है। ये दद्दू और मेरा फॉरेन ट्रिप में तो भाई का तुम्हारे हालत ही खराब होने वाले हैं, वेजिटेरियन खा रहा तो फॉरेन में बहुत कम मिलता है। वही तो, चलो खाते हैं मोमो, लगाओ फिर लगाओ, हिमाचली मोमो खाने भी बनते हैं यार। सो गाइस टाइम हो गया है 4 और सीट भाई का फोन ठीक हो रहा है तो इसलिए अभी हम रुके हैं। अभी हम लोग जाना है हम लोगों ने कुल्लू, लेकिन मेरे को नींद आ रही, देखो आंखें लाल होगी, तो मैंने बोला क्या करूं, तब तक ये कुत्ते यहां पे हैं इतने सारे, इनको खिलाते हैं बिस्किट। आ जाओ आ जाओ फिर। एस करो, एस एस करो, कैस करो, ठीक है खाओ बेटा, बाय। ये गोम्पा रोड में हम लोग, इधर एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, मॉनेस्ट्री में भी क्या जाए, इतना घूम गए अभी लद्दाख में तो, अब हमारे लिए कॉमन ही हो गया है। बाकी इधर जो है ये क्या बोलते हैं इसको, तिब्बतियन मार्केट, जितने भी रेफ्यूजी लोग हैं उनकी मार्केट है आगे तक, जैकेट वैकेट बढ़िया एकदम मस्त। और अब इधर से जाने का बनाते हैं क्योंकि थक गए हैं। सो वी आर रेडी टू गो कुल्लू, और मैंने अपनी गाड़ी में आज एक नई चीज़ जोड़ी है, तो कोई भी चीज़ जोड़ूंगा तो मैं ज़रूर अपनी एज ए मेमोरी ही जोड़ूंगा। ओए होए क्या मस्त लग रहा है। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं मनाली से कुल्लू की तरफ, क्योंकि ज़्यादा मज़ा नहीं आया मुझे, मतलब अब जो बाहर प्लेन से आते हैं उनको अच्छा लगेगा, हमारे लिए तो कॉमन ही है ये, जैसा नैनीताल है ऐसा ही यहाँ मनाली है, लेकिन टूरिस्ट अच्छा खासा है इधर। चलो कुल्लू जाके भी देख लेते हैं कैसा है करके, शांत है बोलते हैं, यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। मनाली में टूरिस्टिक चीज़ें बहुत है, देखो हॉट एयर बलून है जैसे, बढ़िया मज़े ले सकते हो, सही है बॉस। रोड इतनी सेक्सी है क्या बताऊं, मनाली से कुल्लू के बीच में तो यहाँ पर को टोल प्लाजा भी है। अब इतनी अच्छी रोड है तो इसका पैसा तो देना पड़ेगा ना। नेशनल हाईवे नंबर 3 है यहाँ पे, और नेशनल हाईवे 1 था हमारा ऊपर को जाते टाइम कश्मीर में, और नेशनल हाईवे 2 भी हमारा लद्दाख में था, और जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है ये आप लोगों का हिमाचल में, तो ऊपर से नीचे की तरफ को हमारे NH बढ़ रहे हैं। सो पता करें जरा हिमाचल में सेब का प्राइस कितना है करके। सेब 90 भी है। कौन सा 90? बड़ा वाला इतना? ये 40 लग जाएगा। ये 40 और ये 50 लग जाएगा। हाँ काकू ये तो अभी पका ही नहीं है, मक्खन है, अब खाने लगते हैं। दद्दू मेरे को हरा सेब खिला रहे हैं, थैंक यू यार दादा। बाबा आप खाओ, धन्यवाद। हाँ ओके दद्दू बाय। तो गाइज ये है आप लोगों का कुल्लू, मतलब पहाड़ों के बीच में अच्छी सी सिटी है, उतना खास नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि मतलब जैसे प्रेमी जोड़े आते हैं उनके लिए तो ठीक है, शादी के बाद हनीमून मनाने आते हो, अब हम वे लौंडे और वो भी हम उत्तराखंड पहाड़ों से हैं,
तो हमारे लिए एज यूजुअल कॉमन ही है, नैनीताल जैसा ही है हमारा। नैनीताल में लेक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हाँ अल्मोड़ा, अल्मोड़ा की तरह कह सकते हो, पहाड़ों में बसा हुआ। बाकी देख लो खूबसूरती, होटल एक से एक अच्छे मिल जाएंगे आप लोगों को इधर। तो बढ़े आगे को बढ़ते हैं। चलो कुछ खास होगा तो दिखाता हूँ, वरना आगे को चलते रहते हम लोग। शादी के बाद आऊँगा मैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यार गाइस, छोटी सी सिटी है लेकिन अच्छी भी है, बट वही है यार कि ट्रैफिक की मार है। सो गाइस हम लोग कुल्लू से 12 किलोमीटर आगे भुंतर जगह पे पहुंच गए हैं, और ये मणिकरण चौक है भुंतर। और ये चाट की दुकान दिखते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो टिक्की खा रहे हैं हम लोग एक एक हाफ। ये तैयार कर दिया अंकल ने चटपटी टिक्की, इसमें भी मीठी चटनी भी पड़ेगी क्यों? प्याज डालनी है ना? मुझे लगता है कि यहाँ के आप सबसे ज़्यादा फेमस टिक्की वाले हो गए, जिस हिसाब से आपने इतना टेस्टी बना रखा है ना। बढ़िया बनाई एकदम, मस्त मज़ा आ गया, पैसा वसूल। कल ये भाई हमारे भान सिंह हैवी ड्राइवर गिर गए, और इन्होंने साइड स्टैंड तोड़ दिया। देखो गाइस, 15 साल का एक्सपीरियंस कुछ काम नहीं आया। मजाक कर रहा हूँ, इनकी हाइट कम है लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि इसकी स्प्रिंग टूट गई है, रास्ता इतना ख़राब था। चलो सो गाइस, भुंतर में होटल अमित इधर रुके हुए हैं आज हम, बट पार्किंग की बड़ी बवाल है यार दाजी। सो फाइनली आज की जर्नी का जो स्टे है वो यहीं पर करने वाले हैं हम लोग। यार तुम पीछे रह जाते हो, कहाँ गए, भटक गए थे? मैं आगे रुका था। अच्छा, आई लव कुल्लू। सो रूम नंबर 201 है दागी, चाय है चल रही है ना। हाथ कैसा है आपका? पहले से बेहतर है, लोग पूछ रहे हैं ना आपसे। अभी 1-1.5 महीना लगेगा इसको रिकवरी होने। अच्छा 1-1.5 महीना नहीं है, नया बैंड लगा दिया है और थोड़ी दवाइयां चेंज हुई। चलो हो जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा। लेकिन ये एक्सरे है आपका? मैं तो इतना जानता नहीं, कोई डॉक्टर है तो बता दो भैया क्या है कंडीशन। अच्छा ये बीच का गैप ना, अच्छा लिगामेंट होगा ना, तो हाँ टाइम लगेगा इसमें। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए निकल चुके हैं, लोकल विजिट भी कर लेते हैं। सो गाइस गाल देखो मेरे, पूरा हाई ऑल्टीट्यूड में जाने से हॉट गाल सब फट गए, तो मैंने ले लिया ये एक बोरो सेफ पतंजलि का। ये रामदेव ने क्या क्या नहीं निकाल दिया, क्यों मानो भाई थक गए क्या? लग रहा है चेहरा देख के यार, तुम्हारे मुंह में कुछ उदासी सी दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही होगी भाई के मुंह में उदासी सी? कहल मांग रही है बॉडी। भुंतर के फेमस ढाबे मामू जान के आ रहे हैं आज मामू ढाबे में हम लोग खाना खाने, तो चले चलते हैं खाना खाया जाए और रेस्टोरेंट में। अच्छा खाना तो लेकिन टेस्टी बनाया है ना, अच्छा हो रहा है खाना, तो आपको फुली रिकमेंडेड है। अगर यहाँ रुकते हो तो यहाँ जरूर आना।